है तो बहुत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को और एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग जाने वाले थे मार्केट में, आज बाजार है तो बाजार में नहीं गया है। तो मम्मी पापा सुबह सुबह उन लोग दोनों चले गए हैं, तो मम्मी कुछ सब्जी वगैरह लेके आया है, तो मम्मी मुझे बुला रही है और कुछ खाने के लिए भी होगा, क्योंकि मैं मम्मी जब भी बाज़ार में जाती है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती है, आम नहीं तो सेब वही सब लेके आता है, तो सब्जी वगैरह ही। और मैंने उमा बदर मंगाया है, आज उमा बदर भी खाएंगे तो वही लेने के लिए अभी जाऊँगी। और गाइस ना सुबह सुबह इतना ज़्यादा यहाँ पर बारिश दिया था, लेकिन अभी बारिश नहीं दे रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा मौसम, एकदम हवा आ रहा, ठंडी ठंडी हवा आ रहा है। और ना गाइस कल तो मेरा बत्ती चला गया है, तो आज फिर से होगा मेरा काम शुरू। लड़कियों का काम ये होता है गाइस, और खाना बनाना वही सब भी होता है, तो अभी मैं खाना बना लूँगी क्योंकि भूख लग रहा है मुझे। मैं तो हमेशा मुझे भूख लगता बोलती हूँ, लेकिन मैं भूख लगता है ना गाइस इतना खाना नहीं खा पाती हूँ, मैं इतना से खाती हूँ इसलिए मुझे जल्दी ही भूख लग जाता है। ज़्यादा खाने से ना भूख नहीं लगता है, दिन भर रह सकती हूँ, लेकिन कम ही खाना खाती हूँ, इतना खाने से ना पेट मेरा भर जाता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा भी नहीं खा पाती हूँ। तो अभी खाना बनाने और सबसे पहले तो मम्मी का घर पर जाऊँगी वो सब्जी वगैरह लाने के लिए, और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और दोस्तों मम्मी का घर से लेके आई हूँ मैं सेब, और यहाँ पे है आम। अब मैंने तो आम भी काट लिया है, आम इतना ज़्यादा मीठा है गाइस, सेब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, यही है आम अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मीठा है एकदम। और यहाँ पे लेके आया मैं जंगा पत्ता, बैंगन और भिंडी भी लेके आया हूँ, और यहाँ पे है फर्क, तो मैं यही बनाऊँगी आज। फर्क तो बॉयल करके मैंने रख दिया है, बस हल्का सा मैंने बॉयल किया था, इसमें नमक और हल्दी मिक्स करके फिर एक बार मैं धुलाऊंगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है मिर्ची, पका वाला मिर्ची, और ये ड्राई पीस नमक, ये मिर्चा पत्ता और बैंगन बनाने के लिए। और दोस्तों मेरा बैंगन का सब्जी पूरा हरियाली है, मैं इसमें हल्दी नहीं डालती हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी साग ऐसे बैंगन बैंगन बनाते हैं ना, कुछ कुछ सब्जी में हम लोग हल्दी थोड़ा कम ही डालते हैं, मैं तो पूरा नहीं डालती हूँ। बैगन का सब्जी रेडी हो चुका है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा मिर्ची डाल दिया है मैंने, क्योंकि मुझे आज थोड़ा तीखा तीखा वाला खाने के लिए मन करा, इसलिए मैं सब्जी पूरा तीखा बना दिया है। और फिर से यहाँ पे मैं उमा बदर बनाऊंगी, तो तेल डाल दिया है। मसाला डाल के ना दोस्तों खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, तो इसमें डाल लेते हैं। इसमें ना कलर डालने से ना मैं खा नहीं पाती हूँ, इसे मैं कलर नहीं डालती हूँ, इसका घन अच्छा नहीं लगता मुझे कलर का घन। और फिर से यहाँ पे मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ, ये मैगी मसाला देके ही फ्राई करूँगी। खाना तो बना लिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्या बनाया है हमने, और यहाँ पे भिंडी फ्राई किया है और मिर्चा वाला बैंगन, तो मैं अभी खाना खाऊंगी। मेरा पति तो मुकबंग करेगा, वो सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी, यहाँ से ले लेते हैं। मुझे ना मैगी मसाला का साथ भिंडी बहुत ही ज़रा पसंद है। और यहाँ से भी ले लेंगे उमा बेडर,
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैंने कल का वीडियो को ख़त्म नहीं कर पाया, बनाया भी नहीं, क्योंकि खाना खा के हम काम पे गए थे। जो सुपारी हम लोग सोर के गए थे ना, वही सुपारी लगाना है, अभी भी बाकी है। एक बस्ता ही है, एक बैग पूल है, तो वही लगाने के लिए मैंने जो घास फूस था वही साफ किया है। और साफ करते करते दिन भी निकल गया, फिर थक भी गए हम। नहाया, दुकान में गया, वहाँ से कुछ लेके आया, उसके बाद शाम हो गया। क्या वीडियो बनाएं ये सोचा था, तो काम करते समय ना गए वीडियो बनाएं या काम करें बहुत दिक्कत हो जाता है। तो बितुल भी गया था दवाई मारने के लिए, वो सुपारी का खेत में, तो कैमरामैन भी नहीं था, मेरा सेल्फी स्टिक भी थोड़ा ख़त्म हो गया, इसी के कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। और रात से ही लगातार बारिश दे रहा गए। सुबह सुबह ना यहाँ पे पूरा पानी जमा हो गया था, पूरा यहाँ पे भी इस तरफ पानी जमा हो गया था। मैं तो पूरा आराम से बारिश का वो आवाज़ सुन सुन के मैं सो रही थी। बितुल ने बोला कि उठ जा, टाइम ज़्यादा हो गया, तो उठ गई। उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने साफ कर दिया। अभी खाएंगे ना हम जो वहाँ से भूटान से लेके आया था 2x वाला नूडल्स, वही खा के देखेंगे। इस आज मैं पहली बार टेस्ट करूँगी। उस दिन भी ना बितुल 3x खाया था, मैंने बोला था मेरे लिए एक थोड़ा सा रख देना, लेकिन वो वीडियो बनाते बनाते कब खा लिया उसको भी कुछ पता नहीं था। तो खाया, वीडियो बना के कंप्लीट होने के बाद मैंने रख भी नहीं रहा। हम बोला कोई बात नहीं, दूसरा वाला लेके आएंगे। और लेने के लिए भी गया था हम दुकान से, तो 3x वाला नूडल्स एक पैकेट लेके आया था। और ऐसे ही घर पे रख के गया हम लोग, गए उधर नागालैंड में। और नागालैंड में जाने के बाद पूरा चीटी वगैरह चूहा काट दिया है, तो बहन ने बोला ये नूडल्स ख़त्म हो गया, तो मैंने बोला फेंक दो, तो इसलिए खाने के लिए नहीं मिला। इस बार मैं खाना बोल रहा है नूडल्स खाऊंगी गैस, अभी बनाऊंगी मैं। और गैस यहाँ पे है नूडल्स, मैंने ही फाड़ दिया था, मुझे देख देख के खाने के लिए मन हो रहा था। ज़्यादा नहीं खाऊंगी गैस, देखती हूँ कितना पैकेट खाऊंगी, दो पैकेट नहीं तो एक पैकेट खाऊंगी। हाँ, एक पैकेट खाऊंगी क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, मैं इतना भी स्पाइसी भी खा नहीं सकती और पैकेट वो नूडल्स भी खा नहीं पाऊंगी, इसलिए एक पैकेट ही मेरे लिए काफ़ी है। और यहाँ पे भी है ये वाला नूडल्स, ये मैं मंडे को खाऊंगी, बाजार जो बाजार जाऊंगी ना वो उमा बदल लेके आऊंगी, उसका साथ बना के खाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं गर्म पानी करूंगी, उसके बाद डाल दूंगी गैस ये नूडल्स 2x। अभी इसमें डाल लेते हैं गैस नूडल्स। इसमें क्या क्या मिलता है, ये शायद मसाला होगा क्या, ये भी यहाँ पे डाल लेते हैं। कुछ पट्टा बट्टा होगा शायद, ये इसको तो मैं भात में डालूंगी गाइस, टीका वाला को। गाइस मैंने नूडल बना लिया है, लेकिन मेरा बनाने का स्टाइल शायद नहीं हुआ होगा, मुझे पता नहीं है कैसे बनाते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल से बना लिया। और मैं इससे भी खा के देखूंगी, क्योंकि मुझे खाने के लिए नहीं आता, ट्राई करूंगी। और ये स्पून से भी खा के देखूंगी। अभी ये वाला लगाऊंगी मैं, इसमें मिक्स करूंगी, लगाऊंगी बोल रहे मिक्स करूंगी, क्योंकि इसका बिना तो अधूरा ही रहेगा। 2x चूने पे भी डर लगता मुझे, पता नहीं मैं कैसे खाऊंगी। मेरा मन फेंक दो, नहीं फेंकेंगे बढ़िया नहीं फेंकेंगे। लगता है मेरा पेट दर्द करेगा, क्योंकि सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाया है, बस यही खा के देख रही हूँ। खाना थोड़ा सा खाना चाहिए, तभी इसको खाना, क्योंकि बहुत पेट जलता है। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद खाऊंगे।
डर लग रहा है, फिर भी ट्राई करेंगे गाइस, ट्राई। वाओ गाइस, अभी बाहर में आ गई हूँ मैं, बाहर में खाऊंगी क्योंकि अंदर में थोड़ा अंधेरा लगता है ना। है तो बहुत, एक बार में हो गया मेरा, मैं इतना खा नहीं सकूंगा गाइस। हम खा नहीं पा रहे गाइस, मेरा पति को दे रहा है, मुझे पानी पीना है। पूरा आंसू आ रहा है। जब लोग खाते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, देखने में बहुत मजा आता है, बाप पूरा एंजॉय कर लेते हैं। जब खा के देखते हैं ना तो पता चलता है नहीं खा पाऊंगी यार। टू एक्स का नूडल खा के गाइस पूरा हालत खराब हो गया, इतना जलता है ये, अभी भी इतना ज़्यादा जल रहा है, पूरा आंसू आ रहा था आग से। बेतुल को बोला एक वीडियो मत मारो, वीडियो मत मारो, क्योंकि रो रही हूँ बोला है, तो उन्होंने वीडियो नहीं मारा, इतना आंसू बह रहा था। अभी भी ये हो इस तरफ का, इतना जल रहा है, देखने में जितना मज़ा आता है, वाह खा नहीं पाया, वो नहीं पाया बोल रहा है, लेकिन खा के देखो गाइस, मेरा 2x में पूरा हालत ख़राब हो गया है। लोग कैसे खाते होंगे ना 3x, बहुत ज़्यादा जलता है, मैं तो खा नहीं पाई हूँ। वीडियो में भी बोलूँगी, हकीकत में भी बोलूँगी कि खा नहीं पाए हैं हम, सिर्फ चार बार उतार उतार के खा लिया था, इसी में मेरा हालत ख़राब हो गया। मैं इतना टीका नहीं खाती हूँ गाइस, और सुबह कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करना चाहिए, तभी ये नूडल वगैरह खा लेना, ये टीका वाला ना, तो बिना ब्रेकफास्ट किए मत खाना गाइस, पेट बहुत ज़्यादा दर्द करता है, मेरा तो पेट दर्द कर रहा है, इसे भी मैं खाना वो टीका वाला इतना खा नहीं पाती हूँ। पहले तो खाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मैं खा नहीं पाती हूँ।